फैमिली चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। और जी हाँ, मैं निकली थी अपने मायके के लिए, लेकिन आप लोग व्यू देख करके समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो जी हाँ, मैं हूँ अपने ससुराल। तो इनको कुछ काम था, इनको एक्चुअली पेड़ लगाने थे, तो ये इसी वजह से आए थे कि दो ठो वहाँ पर प्लांट्स रखे हुए थे प्रयागराज में, जो कि गमले में लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि इसको जो है घर चलेंगे, और जिस दिन तुमको छोड़ने जाऊँगा उस दिन फिर मैं घर चल करके इसको लगा दूँगा। तो ये वही कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। और ये जो बड़ा सा पेड़ आपको अमरूद का दिख रहा है ना, ये इनका ही लगाया हुआ है। तो इनके लगाए ज़्यादातर पेड़ ना वो चल जाते हैं, मतलब इनके हाथ से बहुत आसानी से पेड़ लग जाते हैं, आ रहे हैं। और इसी स्पेशल काम के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, ससुराल मतलब आना पड़ा। पर ना मुझे जाना था मेरे मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का है त्यौहार, तो मुझे मेरे मायके जाना था। तो बस आद्या लोग जो है यहीं पे खेल रही हैं पेड़ के नीचे, हवा बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने कहा भाई पेड़ जल्दी लगा लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो आप चारों तरफ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और ऐसा मौसम और ऐसा व्यू ना सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये लगाने जा रहे हैं प्लांट, तो ये यहाँ पर ज़मीन में गड्ढा कर रहे हैं, और मैं प्लांट को बस उठा करके ले गई वहाँ तक, इनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। तो ये तो वही हाल हो गए कि जो खाना पूरा बनाता है और उसके बाद जा करके नमक कोई और डाल देता है, बोल देता है कि मैंने पूरा खाना बनाया है। तो यहाँ पर पूरी मेहनत इनकी है, इन्होंने प्लांट वहाँ लगाया और उसके बाद वहाँ से ये लेकर के भी आए कि मुझे गांव में चल के लगाना है। और मैं बस यहाँ तक प्लांट को उठा के रख दी हूँ गाड़ी से, तो अब मैं सारा क्रेडिट अपना ले रही हूँ कि जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो मैं बोलूँगी कि ये मैंने भी तो लगवाया था। तो यही ये बोल रहे हैं कि तुम ना क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ी हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। जब ये प्लांट बड़ा होगा ना, तो हम दोनों बोलेंगे कि हम दोनों ने साथ में मिल करके लगाया था। सकते हो अभी ये दूसरा वाला प्लांट है, अभी हमको इसको भी लगाना है। और यहाँ पर मैं आपको घर का व्यू दिखा देती हूँ, सामने कितना बड़ा अमरूद का पेड़ है। तो अच्छी खासी यहाँ पेड़ के नीचे छाया रहती है, तो आराम से यहाँ खड़े हो जाओ। और निधि आद्या अक्षत सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं, और ये कुछ ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये प्लान कर रहे हैं कि आगे यहाँ पर ट्यूबवेल लगवाएंगे, बाउंड्री करवाएंगे। मतलब होता नहीं, जब फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारी दिमाग में आने लगती है कि हम रिटायरमेंट के बाद जब गांव में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, तो कुछ ऐसी ही फ्यूचर प्लानिंग ये कर रहे हैं खड़े खड़े। तो मुझे भी बहुत पसंद है, और सच में ना तरस रहे हैं कि कब सिटी वाली लाइफ से हमें फुर्सत मिलेगी और जाकर के गांव में ऐसे सुकून भरे पल बिताएंगे, ऐसी ज़िंदगी हमें गांव में जीने को मिलेगी। तो बस समझ लीजिए कि एक सपना है, जो कि ऐसा लगता है कि जाने कब पूरा होगा। छोटे 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 से अमरूद लगे हुए थे, तो बारिश के सीज़न के वैसे अमरूद खाने में ना बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा कीड़े हो सकते हैं। लेकिन बहुत छोटे छोटे से कच्चे कच्चे से अमरूद लगे हैं, तो बस मैं तोड़ तोड़ के खाती भी जा रही हूँ, मुझे सच में बड़े टेस्टी भी हैं तो छोटे छोटे ही, लेकिन स्वाद ना बहुत अच्छा है अमरूद का। तो बस मैं यहाँ पर तोड़ के एक दो अमरूद खा भी रही हूँ, और उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मेरे मायके के साइड। तो ये रास्ता
रास्ते का व्यू है। और इधर जब आओ ना तो केवल और केवल आम के पेड़ सबसे ज़्यादा दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है, मन एकदम खुश हो जाता है और लगने लगता है कि अब हम गांव की तरफ एंट्री कर रहे हैं। जो यहाँ की लाइफ होती है, जो यहाँ की ज़िंदगी होती ना, वो बिल्कुल सुकून भरी होती है, बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है यहाँ की ज़िंदगी में। अक्षत और आद्या तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं नानी के घर जाने के लिए, और स्पेशली बार बार ना वो जिसको ही याद करते हैं पूरे रास्ते कि अभी जाएंगे तो मस्ती करेंगे, खेलेंगे, और वो भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। और हम लोग का इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। और लो, आपसे बातें करते करते ना मैं बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक पहुंच गई हूं। ये आप देख सकते हो कि आम के जो ये बागों के बीच में ही हमारा घर है, तो ये हमारे घर का व्यू है और हम लोग घर पहुंच गए हैं। ये देख सकते हो सब लोग बाहर बैठे हुए हैं और हमारा ही इंतज़ार हो रहा था, तो बस पहुंच गए हम लोग और खुशी का ठिकाना नहीं है। और वो जस ना शर्मा के ये देखो भाग गया। तो घर का दही है जो कि डिब्बे में भर रही हैं और ये वापस जाएंगे तो मम्मी के लिए वहाँ पर लेते जाएंगे। और यहाँ पर मम्मी ने खोया बनाया हुआ था तो बस खोया दे देंगी, तो वहाँ पर कुछ भी बना सकती है खोए का पेड़ा है। दोपहर का टाइम अभी अप्रॉक्स 2 बजने वाले होंगे, 1:30 से 2 के बीच का टाइम है और मैं थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर। मम्मी लोग सब लोग सो रहे हैं, अक्षत आद्या सो रहे हैं, नेहा बस जग रही है, तो अभी मैं किसी को जगाने वाली नहीं हूँ और निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है बैंक में, अकाउंट का है, और उसके बाद फिर मुझे जो है, और मुझे थोड़ा सा काम था। क्या काम था? मुझे ये लहंगे वगैरह जो है वो इसका लहंगे का ब्लाउज जो है वो स्टिच करने के लिए देना था। तो मैं बुटीक, हाँ कोई बुटीक नहीं जा रही हूँ, यहाँ पर एक मतलब टेलर है वो बनाती हैं घर पर ही, और सच बताऊँ किसी भी बुटीक से बहुत अच्छी उनकी फिटिंग होती है और किसी भी बुटीक से अच्छा ब्लाउज़ बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजनेबल रेंज में। तो मैं कोई भी ब्लाउज़ अपना प्रयागराज में नहीं बनवाती हूँ, मैं हाथ जब भी आती हूँ तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ और अपने लहंगे और साड़ी के ब्लाउज़ वगैरह जो कुछ भी होता है मैं उन्हीं के पास जाकर स्टिच करवाती हूँ। बहुत अच्छी माइंड ब्लोइंग एकदम फिटिंग आती है उनकी। तो ये बस मैंने अपने लहंगे ले रखे हैं और उसके साथ मुझे थोड़ा सा काम और भी था मार्केट में, वो सब भी करूँगी। तो चलो कर लेते हैं फिर आप लोगों से। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, उसके पहले मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया घर पहुंचने के बाद, मेरा मन ही नहीं किया सबसे मिलने जुलने में, मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर अपने मायके की लोकल मार्केट से राखी खरीदने, क्योंकि राखी मैंने अभी तक नहीं खरीदी हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लगी हुई हैं, लेकिन देखते हैं अभी पसंद कौन सी आती है। तो सारी राखियाँ एक ही जैसी होती हैं, पर फिर भी पता ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है ये वाली अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। और मुझे आद्या के लिए भी लेनी है क्योंकि आद्या भी ओजस को बांधेगी और अक्षत को बांधेगी, तो उसके लिए भी मुझे ना राखी देख करके लेनी है। तो बच्चों की मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी क्या चॉइस, लेकिन बच्चों पर जो अच्छी लगती ना वो सब टाइप की मैं लेना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं मुझे पसंद आती है या नहीं आती है। और उसके बाद मैं ना बाइक से गई हुई थी, तो मैंने कहा बाइक में देखने में, बाइक में बैठ करके वीडियो बनाने में कैसा लगता है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, खुली खुली खुला खुला चारों तरफ का व्यू रहता है और हवा लगती रहती है और आराम से बैठ करके बाइक में जाओ, मतलब ये भी ना एकदम अलग एक्सपीरियंस होता है, इसका भी ना एकदम अलग इंजॉय करना होता है। तो अभी हम घर के नज़दीक पहुंच गए हैं, तो चलो अभी मैं अपने मायके भी पहुंच गई हूं और कल है फेस्टिवल। तो चलो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूं, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस आदिया फैमिली चैनल।